सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये है एक और ट्रू वायरलेस ईयरबड्स जो कि ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। ये है विंग्स टच ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। ये है इसका बॉक्स पैकिंग जैसा कि आप देख रहे हो। और अगर बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की तो IPX5 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आता है, डीप बेस, अप टू 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम, टच सेंसर कंट्रोल्स, HD माइक्रोफोन। और अगर बात करें यहाँ बैक में, प्राउडली डिजाइन इन इंडिया, तो इसका जो डिजाइन है वो इंडिया में किया गया है और इसकी MRP है 7,499। हमने इसे मंगाया है अमेजोन इंडिया से और हमें पड़ा है 2800 रुपए और ब्लैक कलर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके अनबॉक्सिंग और आपको देंगे इसके कंप्लीट रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन चैनल मिल जाए और आपको देंगे इसके सारे डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बॉक्स कंटेंट मिल जाता है विंग्स टच ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और इसकी जो क्वालिटी लग रही है वो काफी गजब की लग रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा ईयर हुक्स, जैसा कि आप देख रहे हो 3-4 तरीके के, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आपको दिए गए हैं तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर दिया गया है यूजर मैनुअल, तो आप इसे पढ़ सकते हो और इसका उपयोग कर सकते हो। और 1 साल की वारंटी के साथ में आता है, तो आप इसे पढ़ सकते हो और इसे कैसे अप्लाई करना है इसे आप पढ़ के अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिया गया है USB टू माइक्रो USB केबल इसे चार्ज करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको बॉक्स कंटेंट में मिल जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात करें हमारे फर्स्ट इंप्रेशन की, तो ये है विंग्स टच ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.0 के साथ में आता है। बात करेंगे सबसे पहले इसके डिजाइन की, तो इसका डिजाइन काफी बढ़िया आपको दिया गया है। सिलेंड्रिक टाइप का डिजाइन है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर में आपको विंग्स की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे सामने में आपको 2 इंडिकेटर लाइट दिया गया है और बीच में एक बटन है, तो इसे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो ये जो हमारा ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे ईयरबड्स काफी बढ़िया लग रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं। और यहाँ पे विंग्स लिखा हुआ है राइट और लेफ्ट। और अगर बात करें इसके बिल्ड इन क्वालिटी की, तो ये पूरा प्लास्टिक का और मेटल का बना हुआ है और इसकी जो बिल्ड इन क्वालिटी है काफी सॉलिड आपको प्रोवाइड की गई है। बात करें अगर यहाँ पर बैक में, तो यहाँ पर भी आपको एक इंडिकेटर लाइट दिया गया है और उसके बगल में आपको दिया गया है USB टू माइक्रो USB का स्लॉट इसे चार्ज करने के लिए। और ये जो हमारा चार्जिंग केस है, इसके अंदर में 500 मिलियम पावर की बैटरी आपको दी गई है, जो कि लेता है 1 घंटे फुल चार्ज होने में। और 1 घंटे फुल चार्ज आप इसे कर लेते हैं तो इन ईयरबड्स को आप करीबन 4 से 5 बार चार्ज कर पाओगे, क्योंकि इन ईयरबड्स में 50 mAh की ईच बैटरी आपको प्रोवाइड की गई है। और एक बार इन ईयरबड्स को आप फुल चार्ज कर लेते हो तो यहाँ पर आप 6 से 8 घंटे कॉलिंग और म्यूजिक का मजा ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो बैकअप है वो काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल यहाँ पर जो केस की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बात करें यहाँ पर हमारे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की, तो ये भी देखने में प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। टच कंट्रोल के साथ में आता है और ये मैग्नेटिक चार्जिंग के साथ में आता है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक और मेटल का यूज़ किया गया है और इसके ऊपर में रबड़ है, जो कि आपको ईयर हुक्स दिया गया है। और ये जो हमारे ईयर टिप्स हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो ईयरबड्स है वो काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड किया गया है और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा टिल्ट है, आपके कानों में काफ़ी बढ़िया से ये होने वाला है फिट। ओवरऑल यहाँ पर इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। टच कंट्रोल के साथ में आता है और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि शाइनिंग लुक आपको दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों में ही आपको माइक्रोफोन प्रोवाइड किया गया है, तो जब आप बात करोगे
सामने वाले से वायरलेस, तो सामने वाले को आपकी जो आवाज़ है वो काफ़ी बढ़िया से सुनाई देने वाली है। ओवरऑल यहाँ पर जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो विंग टच 2 वायरलेस ईयरबड्स है, अब हम इसे अपने मोबाइल के साथ करने वाले हैं पेयरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो चार्जिंग केस है ये है मैग्नेटिक चार्जिंग केस, इसके अंदर में 500 मिलियन पावर की बैटरी है। और यहाँ पर हमारा जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है आपको पहले इन चार्जिंग केस में लगा लेना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर लाइट ब्लिंक हो रहा है, तो हमारा जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है वो हो रहा है चार्ज। अब दोस्तों इसे पेयरिंग करने के लिए वापस से आपको इन चार्जिंग केस से निकाल लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है यहाँ पर रेड और ब्लू कलर का जो लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है। तो अब ये पेयरिंग के लिए रेडी है और ये एक दूसरे में पेयर हो चुके हैं। आप जैसे ही इनको चार्जिंग केस से निकालेंगे तो विद इन ए कुछ सेकेंड में ये एक दूसरे से पेयर हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल लेना है और ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पर अब हम ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे जो हमारा विंग्स टच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंग्स टच लिखा हुआ आ गया है। तो अब यहाँ पर आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है और ये पेयरिंग हो रहा है हमारे मोबाइल के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये पेयर्ड हो चुका है, इन यूज फॉर कॉलिंग एंड मीडिया प्लेबैक बैटरी लेवल 100%। तो अभी ये 100% चार्ज है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारा कॉल्स करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे और आपको बताएंगे इसके सारे डिटेल्स कि बेस कैसा है, वोकल्स कैसे हैं, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन कैसा है और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसका 4 पीस आपको गिव अवे करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए आपको देते हैं इसके सारे डिटेल्स। तो दोस्तों ये है विंग्स टच ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, हमने ऑलरेडी अपने मोबाइल के साथ किया हुआ है कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि राइट वाला ईयरबड्स हम अपने कानों में पहन लेते हैं और यहाँ पर लेफ्ट वाला ईयरबड्स भी हम अपने कानों में पहन लेते हैं। काफ़ी बढ़िया से ये आपके कानों को लॉक कर देता है और काफ़ी बढ़िया से ये आपके कानों में फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर हम प्ले करने वाले हैं म्यूज़िक और ये जो गाना है अभी मैंने 80% वॉल्यूम में प्ले किया हुआ है। बेस काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया से काम करता है। साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है, बट जितना चाहिए उतना है। और ज़्यादा लाउड साउंड होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी आपको जो वोकल्स है वो क्लियर समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर वोकल्स भी काफ़ी बढ़िया से आप सुन सकते हैं। जी हाँ, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बेस काफ़ी ज़बरदस्त है, जैसा कि हमारे इंडियन यूजर को पसंद आता है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो आपको अच्छी दी गई है। इसका जो डिस्टेंस है वो अप टू 10 मीटर और 10 मीटर के डिस्टेंस में ये काफ़ी बढ़िया से काम करता है। कनेक्टिविटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जी हाँ, वोकल्स काफ़ी अच्छे से आप सुन सकते हैं। मिड्स और लो भी काफ़ी बढ़िया से काम करता है और जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में ये एक बढ़िया ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है जो कि ब्लूटूथ 5.0 के साथ में आता है। काफ़ी बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी है दोस्तों, नो डाउट। दोस्तों ये जो विंग्स टच ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है ये आता है टच कंट्रोल के साथ में। ये जो गाना चल रहा है तो अगर आपको इसे पॉज करना है तो राइट वाले ईयरबड्स को या लेफ्ट वाले ईयरबड्स को दोनों में से किसी को एक बार आप टैप करेंगे तो ये जो गाना है ये हो जाएगा आपका पॉज। और वापस से प्ले करने के लिए राइट वाले ईयरबड्स को या लेफ्ट वाले ईयरबड्स को एक बार आप टैप करेंगे तो गाना आपका वापस से प्ले हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको जाना है नेक्स्ट सॉन्ग में तो नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए आपको राइट वाले ईयरबड्स को 2 सेकेंड के लिए टैप करना है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग में। तो राइट वाले को यहाँ पर मैंने 2 सेकेंड के लिए टैप किया तो अब हम चले गए थे नेक्स्ट सॉन्ग में। अब प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए आपको लेफ्ट वाले को 2 सेकेंड के लिए टैप करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं चला गया हूँ प्रीवियस सॉन्ग में। तो इस तरीके से आपको टच कंट्रोल यूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल आपको मैं बता देता हूँ। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए राइट वाले ईयरबड्स को आपको 2 बार टैप करना है तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट वाले ईयरबड्स को आपको 2 बार टैप करना है तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट के लिए आपको दोनों में से किसी को राइट वाले या लेफ्ट वाले ईयरबड्स को 3 बार टैप करना है तो वॉइस असिस्टेंट आप यहाँ पर
कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम तीन बार टैप करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे तीन बार टैप किया और वॉइस असिस्टेंट यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से टच कंट्रोल काम करता है और आपको भी इस तरीके से यूज करना है दोस्तों। अब हम यहाँ पर अपने आईपैड के साथ करने वाले हैं पेयरिंग और उसके बाद यहाँ पर मैं आईपैड में खेलने वाला हूँ पबजी गेम और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब आप पबजी गेम खेलते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो चलिए यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं और फिर मैं आपको गेम प्ले करके बताता हूँ कि यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी कैसी रहती है और कनेक्टिविटी कैसी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे PUBG गेम प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 वीक से। यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और मुझे कोई भी लैग महसूस नहीं होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप बैठ के खेल रहे हो या लेट के खेल रहे हो तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी, जो कनेक्टिविटी है वो इंटैक्ट रहती है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो लैग वगैरह है वो आपको जरा सा भी महसूस नहीं होता है जब आप यहाँ पे कोई भी गेम्स वगैरह प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अनबॉक्सिंग और रिव्यू विंग्स टच ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का। 2,800 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर कुछ ऑफर होगा तो आपको कम प्राइस में भी मिल सकता है। वैसे इसका जो MRP है वो बहुत ज़्यादा है और आपको 3,000 के अंदर में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं इसे 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, 7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और परफॉर्मेंस वाइज इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉलिड है। और यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने बहुत सारे कॉल्स किए हैं, बहुत सारे म्यूज़िक प्ले किए हैं और मैंने इसे कनेक्ट करके बहुत सारे गेम्स खेले हैं। यहाँ पर अगर आप पबजी गेम खेलते हैं इसे कनेक्ट करके तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो आपको बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड की गई है। अगर आप लेट के गेम खेल रहे हैं, बैठ के खेल रहे हैं या जैसे भी खेल रहे हैं तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड किया गया है। 10 मीटर के डिस्टेंस में काफ़ी अच्छे से काम करता है। बात करें म्यूज़िक की तो बेस काफ़ी अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफ़ी बढ़िया है, वोकल्स एकदम क्लियर और क्रिस्टल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है लेकिन जो साउंड है वो एकदम क्लियर और क्रिस्टल है। तो इस प्राइस रेंज में आपको क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। IPX5 रेटिंग के साथ में आता है तो वाटर रेसिस्टेंट है और आपके कानों को काफ़ी बढ़िया से यह लॉक कर देता है। अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो आपके कानों से जल्दी गिरने वाला ये नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इसका जो परफॉर्मेंस और क्वालिटी है काफ़ी अच्छा लगा। 500 mAh की बैटरी आपको चार्जिंग केस में दिया गया है और ये जो ईयरबड्स है इसके अंदर में 50 mAh की ईच बैटरी आपको प्रोवाइड की गई है जो करीबन आप इन ईयरबड्स को 4 से 5 बार इजीली चार्ज कर पाएंगे और इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी बढ़िया है। 80-85% वॉल्यूम में आप 7 से 8 घंटे यहाँ पर नॉन स्टॉप म्यूजिक और कॉलिंग्स वगैरह कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉल्स किए हैं, कनेक्टिविटी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ये प्रोडक्ट है विंग्स टच, जो कि आता है विंग्स कंपनी की तरफ से। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मुझे इसे रेटिंग देना होगा तो मैं इसे 5 में से 4.7 देना चाहूँगा क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी और म्यूज़िक क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया आपको प्रोवाइड की गई है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों मैं इसका 4 पीस आपको गिव अवे कर रहा हूँ तो इस वीडियो पे टारगेट है 400 लाइक्स। अगर 400 लाइक्स आप दे देंगे तो मैं इसका 4 पीस अपने सब्सक्राइबर को गिव अवे कर दूंगा। और दोस्तों अगर मैं टारगेट रखता हूँ गिव अवे का 400 लाइक्स तो उसको कोशिश कीजिए कम्पीट करने का। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा टारगेट के हम करीब आएंगे और मैं इसका विनर अनाउंस कर दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन चैनल मिल जाए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं परितोष साइनिंग ऑफ।